हेलो दोस्तों, मैं रोज आज आप देख रहे टेक। तो दोस्तों, आज किसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 4 फोन के बारे में जिसमें आपको 6 GB रैम तक के फोन देखने को मिलते हैं और ये फोन आपको सिर्फ बजट रेंज में ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप कम बजट रेंज में एक अच्छा फोन खरीदना चाह रहे हैं जिसमें आपको कैमरे के मुकाबले भी फोन अच्छा हो, बैटरी के मुकाबले भी आपका फोन अच्छा हो और प्रोसेसर के मुकाबले भी आपका फोन अच्छा हो, तो दोस्तों हर क्वालिटी आपको बजट रेंज में ही देखने को मिल जाए और उस फोन में आपको 6 GB तक का रैम देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी यही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं जिसमें आपको कम बजट रेंज में 6 GB तक के रैम आपको देखने को मिलेंगे इन फोन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमने फोन रखा है वो रखा है इन्फिनिक्स हॉट 11S। इस फोन में आपको 6.7 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है और इसका जो रेजोल्यूशन है वो आपका 1080x2480 पिक्सल का आपको इसमें रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इस फोन के रिफ्रेश रेट की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। और दोस्तों, वहीं अगर हम इस फोन के प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको मीडिया टैक का हीलियो G88 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि गेमिंग के मामले में भी ये बेस्ट माना जाता है। वहीं अगर हम इस फोन के कैमरे की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है जो कि प्राइमरी कैमरा है आपका 50MP का और जो सेकेंडरी कैमरा है आपका 2MP का और थर्ड कैमरा जो है वो भी आपका 2MP का ही देखने को मिलता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं इस फोन के रैम की। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस फोन में आपको 6 GB का रैम देखने को मिलेगा और साथ ही आपको इसमें 64 GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिलती है। और दोस्तों, वहीं अगर हम इस फोन के प्राइस की बात करें तो दोस्तों, ये फोन आपको सिर्फ 10,999 में मिल जाता है, 6 GB रैम का ये फोन, और इसमें आपको प्रोसेसर भी अच्छा देखने को मिलेगा। हर क्वालिटी जो आपको एक बेस्ट फोन में देखने को मिलती है वो इस फोन में आपको देखने को मिलती है सिर्फ 11,000 में। और दोस्तों, नंबर 2 पर जो हमने फोन रखा है वो है Redmi का, Redmi 9 Active। इस फोन में आपको 6.5 इंच की HD+ आपको इसमें डिस्प्ले देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम इस फोन के रेजुलेशन की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको 720x1600 पिक्सल का आपको इसमें रेजुलेशन देखने को मिलता है और ये फोन आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आपको देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर हम इस फोन के प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको मीडिया टैक का हीलियो G35 आपका इसमें प्रोसेसर आ जाता है। और वहीं अगर हम इस फोन के कैमरे की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है जो कि प्राइमरी कैमरा है आपका 13MP का और सेकेंडरी जो कैमरा है आपका 2MP का देखने को मिलता है। अगर हम इस फोन के रैम की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में भी आपको 6 GB का आपको इसमें रैम देखने को मिलेगा और दोस्तों, जो इंटरनल मेमोरी वो आपकी इसमें 128GB की है, 128GB की आपको इसमें इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इस फोन के प्राइस की। तो दोस्तों, ये फोन आपको सिर्फ 12,228 रुपये में ये देखने को मिल जाता है, 12,228 रुपये में ये एक 6 GB रैम का आपको बेस्ट फोन देखने को मिलता है। और दोस्तों, नंबर 3 पर जो हमने फोन रखा है वो है टेक्नो स्पार्क 7 प्रो। इस फोन में आपको 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है। वहीं अगर हम इस फोन के रेजोल्यूशन की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको 720x1600 पिक्सल का आपको इसमें रेजोल्यूशन देखने को मिलता है और 90Hz का आपको इसमें रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इस फोन के प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको मीडिया टैक का हीलियो G80 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। और साथ ही अगर हम इस फोन के कैमरे की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है जो कि एक प्राइमरी कैमरा है आपका 48MP का और सेकेंडरी जो कैमरा है आपका 2MP का देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इस फोन के रैम की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको 6 GB का रैम देखने को मिलेगा और वहीं अगर हम इसके इंटरनल मेमोरी की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको 128GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिलती है। और अगर हम इस फोन के मेमोरी कार्ड के जरिए स्टोरेज बढ़ाना चाहें, 512GB तक आप इसमें मेमोरी कार्ड लगा के इसका स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम इस फोन के प्राइस की बात करें तो दोस्तों, इस फोन का प्राइस है 12,799 रुपये, 12,800 रुपये में ये बेस्ट फोन आपको देखने को मिल जाता है जिसमें आपको हर क्वालिटी इस फोन में देखने को मिलेगी। और दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 4 की। तो दोस्तों, आपको बता दें, नंबर 4 पर इन फोन से भी सस्ता फोन हमने रखा है। ये जो 3 फोन मैंने बताए हैं इनसे कम प्राइस में आपको ये फोन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, नंबर 4 पर जो फोन हमने रखा है लावा का Z6, ये फोन आपको सबसे सस्ता देखने को मिलेगा। इस फोन में की अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है और साथ ही अगर हम इस फोन के रेजोल्यूशन की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको 720x1600 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है और आपको इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इस फोन के प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको मीडिया टैक का हीलियो G35 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। कैमरे के मुकाबले भी अगर इसकी बात करें तो कैमरे के मुकाबले में भी ये फोन ठीक ठाक है,
क्योंकि इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है, जो कि प्राइमरी कैमरा है आपका 13 MP का, और जो सेकेंडरी लेंस है वो आपका 5 MP का, और थर्ड जो लेंस आपका देखने को मिलता है वो 2 MP का देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इस फोन के रैम की बात करें तो दोस्तों इस फोन में आपको 6 GB का रैम देखने को मिलेगा, और साथ ही आपको इसमें 64 GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिलती है। और दोस्तों अब बात करते हैं इस फोन के प्राइस की, तो दोस्तों इसका प्राइस रखा है कंपनी ने सिर्फ 10,249 रुपये, यानी कि 10,300 रुपये में 6 GB का रैम देखने को आपको इस फोन में देखने को मिलता है, और हर चीज जो एक फोन में होनी चाहिए वो इस फोन में आपको देखने को मिलती है, यानी कि ये सिर्फ 10,300 रुपये में एक बेस्ट फोन देखने को मिलता है। तो दोस्तों आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें टॉप 4 ऐसे फोन हमने रखे हैं जो सिर्फ 13,000 के बजट रेंज में आपको देखने को मिलते हैं। और आपको बता दें जो मैंने 4 फोन ये बताए हैं, इनमें आपको हर फोन में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों चारों फोन में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये 13,000 के बजट रेंज में आपको टॉप 4 फोन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई प्लान बना रहे हैं 6 GB रैम तक का फोन खरीदने का, तो इनमें से आप कोई भी फोन चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी टेक से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं, और मोबाइल के रिव्यूज भी करता रहता हूं, उनकी अच्छी बुरी बातें वो आपके सामने रख देता हूं। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।